إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري في كتاب بدء الوحي आइए सबसे पहले नियत का मतलब समझें। अरबी में नवा यन्वी से ये लफ्ज बना है नियत। नियत का मतलब होता है अल-कस्द, टू मेक इंटेंशन, इरादा करना। तो लुगत में नियत का मतलब होता है इरादा करना और इस्तेलाह में, इस्तेलाह शरीयत में उसकी तारीफ है, उसकी डिफिनेशन है कि अल अज़्म अला फ़ेल इबादत तकर्रुबन इल्लाह ताला, किसी इबादत के काम पर पक्का इरादा कर लेना ताकि अल्लाह खुश हो जाए। तो एक बात तो ये हुई कि वो इबादत का फेल हो और दूसरे इरादा पक्का हो और तीसरे वो काम, वो इबादत किसी और के लिए नहीं सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तो इस्तेलाह शरीयत में नियत के अंदर ये तीन चीज़ें मालूम हो। नियत की कितनी अहमियत है, सुलेमान लश्कर की एक किताब पढ़ रहा था मैं, अन्नियत फिल इबादत ऐसे कुछ है उस किताब का नाम, तकरीबन 350 सफ़ात पर है वो किताब अरबी में। उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी है। उन्होंने ये कहा कि एक आदमी ईमान लाता है अल्लाह और उसके रसूल पर और वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, तो उसे मरने के बाद अबदी जन्नत मिलती है। और एक आदमी ईमान नहीं लाता, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से इनकार करता है, तो उसे अबदी जहन्नम मिलती है। ये कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा और ये कभी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। सवाल ये है
कि अमल तो लिमिटेड है, तो अदल का तकाजा यह है कि सजा भी लिमिटेड होनी चाहिए। इंसाफ क्या कि अमल लिमिटेड हो और सजा अनलिमिटेड दी जाए? इसलिए कि जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करता, उसकी ज़िंदगी भी तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 कम ही लोग पार कर पाते हैं। तो ये 100 साल जो दौरानिया है, 100 साल जो अरसा है, ये तो लिमिटेड है ना। 100 साल, 80 साल, ये इब्तिदा है, ये इंतहा है। आज पैदा हुआ और आज मर गया, तो पैदाइश से लेकर मौत तक का जो ये दौरानिया है, ये दौरानिया लिमिटेड है। और इस लिमिटेड दौरानिये में उसने लिमिटेड गुनाह किए हैं, तो लिमिटेड गुनाह पर अनलिमिटेड सजा देना कि कभी जहन्नम से निकाला ही नहीं जाएगा, ये तो अदल नहीं है जी। और एक ईमान लाने वाला आज पैदा हुआ, यहां मर गया, ये दौरानिया भी लिमिटेड है, महदूद है, इसके अंदर वो महदूद नेकियां करेगा, महदूद आमाले सालेहा करेगा। तो महदूद आमाले सालेहा और लिमिटेड गुड डीड्स पर, महदूद आमाले नेक पर हमेशा के लिए जन्नत दे देना, ये तो अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो जवाब दिया जाए, जवाब यही है, और बहुत ही प्यारा जवाब उन्होंने दिया, वो ये कि एक आदमी, एक मोमिन जब ईमान लाता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, तो वो ये नियत करता है कि ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाया हूं, तेरे रसूल पर ईमान लाया हूं, मैं हमेशा तेरी इताअत करूंगा, तेरे रसूल की इताअत करूंगा। ये जो हमेशगी की बात है, ये हमेशगी की नीयत, ये तकाजा करती है कि उसे हमेशा की जन्नत दी जाए। समझ में बात आई? ये जवाब है उसका। और एक आदमी अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, उसके रसूल पर ईमान नहीं लाता, तो गोया वो नीयत ये करता है मैं अल्लाह पर ईमान कभी नहीं लाऊंगा, उसके रसूल पर ईमान कभी नहीं लाऊंगा, अल्लाह की इताअत कभी नहीं करूंगा, उसके रसूल की इताअत कभी नहीं करूंगा। तो ये जो हमेशगी की नीयत है, ये मुतकाजी है कि उसे हमेशा के लिए सजा दी जाए। दलील, इस पर दलील होनी चाहिए ना, ये तो एक बात कही उन्होंने, दलील क्या है? दलील देखो, आदमी मरने के बाद अल्लाह के हुजूर पेश हो रहा है, अब वो ये देख रहा है कि मेरे लिए सजाएं क्या है, वो ये देख रहा है कि मानने वालों के लिए नेमतें क्या है, बहुत परेशान हो जाएगा, वो एक आरजू करेगा, अल्लाह के सामने एक बात रखेगा, वो बात क्या रखेगा? सूरह मोमिनून में अल्लाह तबारक तआला ने, काबिल गौर बात है, सूरह मोमिनून ही में ईमानियत की बात चल रही है, तो सूरह मोमिनून में ये बात है, क्या रब्बिर जून, ए मेरे रब मुझे दुनिया में वापस लौटा दे, क्यों? लाली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ताकि मैं फिर से अच्छे अच्छे अमाल कर लूं और मुझे जन्नत मिल जाए, ये नेमतें मिल जाएं जो ईमान लाने वालों को मिल रही है। उसकी ये तमन्ना, उसकी आरज़ो रिजेक्ट कर दी जाएगी, कल्ला हरगिज नहीं, इन्हा कलिमतुन हुआ कायलुहा, वो एक बात बोल रहा है, खाली एक बात है जो वो बोल रहा है, अगर हम इसको दोबारा दुनिया में लौटा दें, वलो रुद्दू लादू लिमानहू अनहु, अगर हम इनको इनके कहने के मुताबिक दुनिया में लौटा दें, तो अल्लाह फरमाता है फिर वही हरकत ये करने लगेंगे। ये अल्लाह का बयान है, ये इंसान का बयान नहीं है, कि अगर इनको दोबारा दुनिया में वापस कर दिया जाए तो ये वही करेंगे, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी बात भी है वाला मसला दोहराएंगे। वलो रुद्दू लादू लिमानुहु अन्हु, तो जिन चीजों से उन्हें मना किया गया था उन चीजों को फिर से दोहराने लगेंगे। तो बात मुदल्लल होकर के सामने ये आई
के नियत ही पर दारो मदार है अबदी जन्नत का और अबदी जहन्नम का। ये नियत की अहमियत है, कुरान से साबित है। इस सैकड़ों किताबें पढ़ जाने के बाद भी ये नुक्ता नहीं मिलता। कोई सवाल कर ले तो आदमी हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। चलो ये नुक्ता अब तक हमने पहुंचा दिया सुलेमान लश्कर के हवाले से। नियत की अहमियत पर एक हदीस पाक, हदीस इस तरह वान नाफे इब्न जुबैर इब्न मुतइम قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم رواه البخاري في كتاب البيوع حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب البیوع کے اندر لائے راوی حضرت نافع ابن جبیر ابن مطعم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر چلے گا جیش لشکر ایک لشکر چلے گا نیت کیا ہوگی کعبہ کو ڈھانے کی یغزو جیش الکعبہ ایک لشکر چلے گا قرب قیامت میں کہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گرا دیا جائے ابھی لشکر چلا نبی نے فرمایا فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ جب یہ ایک میدان میں پہنچیں گے بیدا اس میدان ایک چٹیل میدان میں یہ پہنچیں گے تو یخصف بأولہم وآخرہم تو شروع سے لے کر آخر تک اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچے گا اس کے اول کو آخر کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا جائے گا یخصف بأولہم وآخرہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین تھی اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ امت کا آدھا علم آپ کو عطا کیا گیا تھا سوال کر بیٹھی اللہ کے رسول ایسی بات کیسے کر رہے ہیں آپ قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ حدیث میں نے نبی سے سنی تو میں نے سوال کیا قلت یا رسول اللہ میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیف یخصف بأولہم وآخرہم سارے لوگوں کو زمین میں کیوں دھسا دیا جائے گا وفیہم اسواقہم اس میں سارے لوگ تو کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے نہیں جا رہے ہوں گے ارے کچھ لوگ جب لشکر چلتا ہے تو اپنا سامان بیچنے کے لیے دکان لے کر کے چلتے ہیں وہ فیہم اسواقہم سوق مس مارکیٹ جمع اسواق تو کچھ لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے اس لشکر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ان کی نیت وہ نہیں ہوتی جو لشکر کی نیت ہے ومن لیس منہم وہ لشکر میں سے نہیں ہوتے وہ ان کا مقصد کچھ دوسرا ہوتا ہے وہ لشکر کے ساتھ اپنا سامان بیچنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول ان کو کیسے دھنسا دیا جائے گا اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا جو بھی ان کے ساتھ رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا قال یخصف بأولہم وآخرہم کوئی بھی زندہ باقی نہیں رکھا جائے گا سب کو زمین میں اول سے آخر تک دھنسا دیا جائے گا پھر ثم يبعثون على نياتهم پھر ان کو ان کی نیتوں کے اوپر اٹھایا جائے گا اگر ان کی نیت کعبہ ڈھانے کی تھی تو سزا دی جائے گی اور اگر کعبہ ڈھانے کی نہیں تھی تو ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو ان لوگوں کا تھا کہ ہم کعبہ کو ڈھا دیں گے دیکھیں ایک نقطہ یہاں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے خراب عمل کرنے والے خراب نیت رکھنے والے ان کے ساتھ صحبت نہیں رکھنی چاہیے کیوں اس لیے کہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو اگرچہ وہ آدمی اچھا ہے لیکن برے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جب برے لوگوں پر گرفت ہوتی ہے تو وہ آدمی بھی بچتا نہیں ہے اسے بھی پکڑ لیا جاتا ہے تو صحبتیں اچھی رکھو اچھی صحبت رکھو گے تو فائدہ ہوگا اور بری صحبت رکھو گے
तो आपका दुनियावी फायदा भी हासिल होने वाला नहीं है और उखरवी फायदा भी नहीं होने वाला, इसलिए कि अगर गिरफ्त हुई तो आप नहीं बचेंगे। सादी रहमतुल्लाह ने एक बड़ा अच्छा एक किस्सा बयान फरमाया है, कहा कि गिले खुशबू दर हमाम रोजे रसीद अज दस्त महबूब बदस्तम बदू गुफ्तम की मुश्किया आबीरी की अजबूए दिलावे दे तुम मस्तम वो गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर्द वगरना मन हुमा खाकम की हस्तम। वो कहते हैं कि मैं एक दोस्त के यहाँ गया तो मैंने कहा कि भाई खाना खाने से पहले मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। तो उस वक्त इस तरीके के साबुन वगैरह तो मौजूद नहीं थे, और साबुन भी कैसा अजीब बात है, साबुन रहेगा नहाने के लिए उस पर एक नीम उरिया औरत की तस्वीर बनी रहती है, ये भी अजीब मामला है। उस साबुन से उस नीम उरिया औरत की तस्वीर से क्या रब्त है, उनके दरमियान क्या ताल्लुक है, अल्लाह बेहतर जानते। तो कह रहे हैं कि थोड़ा नहाना चाहता हूँ मैं, तो उसने ला करके एक मिट्टी दी। बाज़ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं साबुन से अच्छी होती हैं, टीवी वगैरह के ऊपर बताया जाता है कि देखो फला जगह ये देखो आदमी मिट्टी से नहा रहा है, और मिट्टी ऐसी कि सैकड़ों साबुन उसके ऊपर कुर्बान किए जा सके। तो उनको मिट्टी एक दी गई, मिट्टी के अंदर खुशबू आ रही थी। जब मैं नहाने लगा मैंने कहा मिट्टी से खुशबू, तो मैंने खुद उसी मिट्टी से पूछ लिया, बदू गुफ्तम की मुश्की या आबीरी कि अजबू या दिलावे दे तुम मस्तम, कि मैंने उस मिट्टी से पूछा कि तुम मुश्क है या आबीर है, इसलिए कि मैं तेरी दिलावे खुशबू से तो मस्त हो गया हूं। तो मिट्टी बोली वो गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम व लेकिन मुद्दते बाकुल नशस्तम, मैं तो एक नाचीज मिट्टी थी मगर मैं एक मुद्दत तक फूल के साथ रही हूं। जमाले हम नशी दरमन असर कर दो वगरना मन हो खाकम की हस्तम, मेरे हम नशीन की खूबसूरती ने मेरे अंदर असर कर दिया वरना मैं तो वही मिट्टी की मिट्टी हूं। पता ये चला कि इंसान तो इंसान, बेजान चीजों पर भी माहौल का असर होता है, चीजें बेजान भी हों तो माहौल के असरात उनके ऊपर मुरतब होते हैं, ये खास ख्याल रखा जाए। तो यहां भी नीयत की अहमियत मालूम हुई कि जो लोग काबा ढाने के लिए जा रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नीयत काबा ढाने के लिए नहीं है, लेकिन जब अल्लाह की गिरफ्त आती है तो दोनों लोगों को मौरिद अजाब बना दिया जाता है। हां जब उठाया जाएगा तो उनकी नीयतों के ऊपर उठाया जाएगा। ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّتِهِمْ, पता ये चला कि आदमी जब अपनी कब्र से उठेगा तो अपनी नीयत के ऊपर उठेगा। यह नुक्ता भी मालूम, नियत की अहमियत पर एक और हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वान उमामत इब्न सहल इब्न हुनैफ अन अबी قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه ابو داود في كتاب الصلاة। حضرت امام ابي داود رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاة کے اندر لایا, ابو داود شریف میں, रावी हजरत अबू उमामा इब्ने सहल इब्ने हुनैफ हैं जो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत गौर से सुनो, जिस आदमी ने अल्लाह से शहादत मांगी कि ऐ अल्लाह तू मुझे शहीद की मौत देना, ये एक अजीब गरीब तबका है शहीदों का, इनके साथ मरने के फौरन बाद एक स्पेशल ट्रीट होता है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, उनके लिए बरज़ख नहीं होता। हम रहेंगे तो हमारी लाश भी यहीं रहेगी और हमारी रूह इल्लीयीन में या जो अल्लाह को नहीं मानते सिज्जीन, लेकिन शहदा के साथ एक स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट होता है, क्या कि उनके अब्दान उनके अजसाम यहीं रह जाते हैं लेकिन उनकी रूहों को कहीं और नहीं रखा जाता, डायरेक्ट जन्नत में सब्ज परिंदों के कालब में डाल दिया जाता है और ये शहीद पूरी जन्नत के अंदर चहचहाते फिरते हैं, और जब शाम होती है तो अर्श के नीचे लटकती हुई किंदीलों के अंदर ये बसेरा करते हैं, स्पेशल ट्रीट होता है उनके साथ। तो हर आदमी को शहादत की तमन्ना करनी चाहिए। मन सअलल्लाह शहादत, जिस आदमी ने अल्लाह से शहादत मांगी
सादिकन सच्ची नीयत के साथ, सादिकन सच्ची नीयत के साथ, तो बल्लगहुल्लाहु मनाजिल शुहदाई, तो अल्लाह उसको शहीदों के जुमरे में दाखिल कर देगा, वही माताला फराशही, अगर वो अपने बिस्तर ही पर क्यों ना मर जाए। अल्लाह देख रहे नीयत की कितनी अहमियत है। आदमी ये नीयत कर ले कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, तो अगरचे वो बिस्तर पर मर रहा है मगर उसकी नीयत खालिसा की वजह से जो उसने शहादत के ताल्लुक से की है, इस नीयत की वजह से वो आदमी अगरचे बिस्तर पर मर रहा है मगर शहादत की मौत उसे नसीब होगी। यह हदीस, आइए एक हदीस और देख लेते हैं नीयत की अहमियत पर। हदीस इस तरह وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها حضرت امام ابن ماجه رحمه الله اسے کتاب إقامة الصلاة کے اندر لائے اور راوی حضرت ابو دردہ ہیں بہت پیاری حدیث ہیں حضرت ابو دردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر آئے شام میں حلال روزی حلال رزق کی تلاش کے بعد جانتے ہیں یہ ساری مصیبتیں کیوں ہیں उसकी वाहिद वजह हमारी नीयतों की खराबी है। ये डीमोनिटाइजेशन हो, नोटबंदी हो, तरह तरह के अजाब हों, हमको लाइन में खड़े होना पड़ रहा है, ये सारी की सारी परेशानियां हमारी नीयत की खराबियों की वजह से है अगर देखा जाए तो। तो हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने बिस्तर पर आए, मन अता फराशहू, जो आदमी अपने बिस्तर पर आए, आ गया, अब सोते वक्त नियत कर रहा है कि मेरी नियत यह है कि रात में उठूंगा, अयकुम रात में उठूंगा, फयुसल्ली मिन अल्लैल रात में तहज्जुद पढ़ूंगा। मैं कहता हूं अगर ये नियत कर ली जाए या ये आदत बना ली जाए सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी हमारी। वह हुआ यनवी अयकुम, नियत यह है, वह हुआ यनवी, अभी मैंने बताया नवा यनवी माने नियत करना, वह हुआ यनवी सोते वक्त ये नियत कर रहा है कि अयकुम रात में उठेगा, फयुसल्ली मिन अल्लैल रात में नमाज पढ़ेगा, फगलबतु ऐनु उसकी आंख लग गई, हत्ता युस्बह उठा तो फजर की अजान हो रही थी, उसे मौका नहीं मिला आठ रकात पढ़ने का या कुछ नमाजें जो उसे पढ़नी थी नहीं पढ़ सका, आंख लग गई, फगलबतु ऐनु ऐन माने आंख, आंख लग गई, हत्ता युस्बह यहां तक कि फजर की अजान हो गई, तो कुतिबा लहू मा नवा तो उसे आठ रकात नमाज का सवाब दे दिया जाएगा। सवाब दे दिया गया, भाई सवाब क्यों दिया गया, नमाज तो उसने पढ़ी नहीं, देखिए नियत की वजह से उसे आठ रकात नमाजों का सवाब दे दिया गया जबकि उसने वो अमल नहीं किया होता है। इसका मतलब नियत बजाते खुद एक शानदार अमल है कि आदमी नियत कर ले अगर किसी वजह से ना कर सके अमल, तो अमल का सवाब उसे दे दिया जाता है। अच्छा वो नींद का क्या हुआ, वकाना नौमहू सदकतन अलैहि मिन रब्बी, उसको जो नींद मिल गई है अल्लाह की तरफ से सदका है उसके लिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हमारी शरीयत भी कितनी प्यारी है, नहीं हदीस समझते हैं ना, मैं ध्यान कर रहा हूँ जी हाँ। तो अब ये नीयत की वजह से उसको आठ रकात या जितनी रकातें पढ़ने की उसने नीयत की थी उसका सवाब तो नीयत की वजह से मिल गया, नींद वो जो सो गया था, कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से वकान नौमहु सदकतन अलैहि मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से ये नींद उसके लिए सदका है। चलो सदका भी मिल गया, नीयत भी मिल गई, यानी पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाई में, क्या कहने। तो नीयत इतनी प्यारी चीज है, मैं नीयत की अहमियत पर गुफ्तगू कर रहा हूं कि नीयत कितनी अहम है। चलिए अब वो जो असल हदीस है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तस्दीर के तौर पर बिल्कुल बुखारी शरीफ के शुरू में लाए हैं, और उन्होंने इस हदीस पाक को इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस को जिसे मैंने इब्तदाए खिताब में पढ़ा था, उन्होंने इस हदीस को अपनी जामे सही का सरनामा और उन्वान करार दिया है, यह बताने के लिए कि बुखारी शरीफ में मैं ये पहली हदीस ला रहा हूं, उसके बाद
आखिरी हदीस सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अलअज़ीम तक, दरमियान में जितनी भी रिवायतें हैं चाहे वो अकायद के ताल्लुक से हों, आमाल के ताल्लुक से हों, अखलाकियात के ताल्लुक से हों, मुआशरत के ताल्लुक से हों, मईशत के ताल्लुक से हों, सियासियात के ताल्लुक से हों, दुनियावी ज़िंदगी के किसी भी शोबे से अगर वो मुतालिक इबादात हैं, अगर नीयत अच्छी है तो इनका कुछ वैल्यू अल्लाह की निगाह में है, और अगर नीयत सही नहीं है तो बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस के बाद सारी हदीसों पर अमल करना या कुछ करना कोई मतलब नहीं रखता, बेमाना है। बताना चाह रहे तो असल चीज नीयत है, नीयत। अब आइए उस हदीस को देखते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला, अजीब बात यह है कि इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ के शुरू में लाए हैं, ठीक है, ये तन्हा रिवायत, और इस रिवायत के रावी सिर्फ हजरत उमर हैं। जितने भी सहाबे किराम हैं, नबी के जितने भी सहाबा हैं, किसी ने इस रिवायत को नकल नहीं फरमाया है, रिवायत नहीं की सवाए हजरत उमर की। इसी वजह से इस हदीस को हदीस गरीब कहा जाता है। हदीस गरीब की तारीफ है मारवा वाहिद वल खबर गरीब, जिसे एक आदमी रिवायत करे वो खबर गरीब होती है। और इस हदीस को मुहकम भी कहा जाता है। हदीस मुहकम की तारीफ उसूल हदीस में यह है, अल मुहकम अल्लज़ी लैसा लहु मुआरिज़ुन मिनल अखबार का हदीस इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, कहा गया कि हदीस मुहकम वो है जिसके अपोजिट में कोई हदीस ना हो, जिसके मुखालिफ कोई रिवायत ना हो, वो हदीस हदीस मुहकम है। तो यह हदीस हदीस मुहकम है इसलिए कि इस हदीस इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात का मुआरिज कोई टकराने वाला हमें कौल और अमल कोई हदीस नहीं मिलती, इस वजह से यह हदीस मुहकम भी और हदीस गरीब भी है। हजरत उमर ये फरमा रहे हैं मैंने नबी से ये सुना, इसका मतलब यह है कि नबी और हजरत उमर के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, बिला वास्ता डायरेक्टली डायरेक्ट हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने यह रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। वह कि समय तो कहने का मतलब यह है कि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, डायरेक्ट हजरत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह रिवायत सुनी है। तो एक बात तो ही मालूम, बुखारी और मुस्लिम में कौन ज्यादा अफजल है, बुखारी या मुस्लिम? यह हदीस तो बुखारी में, जवाब उसका यह है कि एक एतबार से बुखारी अफजल है और एक एतबार से मुस्लिम बुखारी से अफजल है, रिवायत की सेहत के एतबार से, सेहत के एतबार से बुखारी मुस्लिम से अफजल है। इसलिए कि हजरत इमाम बुखारी जो हदीस लाते हैं, हर हदीस के लिए शर्त यह है कि रावी जिससे रिवायत कर रहा हो उससे मुलाकात हो। लोग बोलते रहते हैं बावसूक जराए से ये खबर मिली है, हमारे पास फोन आ रहे हैं, ये क्या है, कौन है, कौन है ये, कौन है, हमारे पास फोन आ रहे हैं बावसूक जराए से। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सेहत हदीस के लिए ये जरूरी करार देते हैं कि रावी जो बयान कर रहा है मरवी अन हो, जिससे वो बयान कर रहा है लिखा साबित हो, लुकी लुका साबित, जब तक लिखा साबित ना हो लुकी साबित ना हो रिवायत वो लेते ही नहीं है। और हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मुआसर शर्त है, यानी जिससे वो रिवायत कर रहा हो उसके हमजमाना हो, मुलाकात हो या ना हो। जाहिर है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शर्त सेहत हदीस बहुत आला है इमाम मुस्लिम के मुकाबले में, उनके यहाँ मुलाकात शर्त है, इमाम मुस्लिम के यहाँ मुआसरत शर्त है, हम जमाना होना अगरचे मुलाकात ना हो। इस एतबार से बुखारी अफजल है मुस्लिम से। दूसरे, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की मुस्लिम बुखारी से अफजल है सियाक के एतबार से, सियाक के एतबार से, जिस तरह वो हदीस को लाते हैं पहले वो यस्कुरुल हदीस, हदीस जिक्र करते हैं, हदीस लाने के बाद उसके शवाहिद और उसके मुताबियात को फौरन जिक्र कर देते हैं। इस एतबार से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की मुस्लिम शरीफ बुखारी से अफजल है। पता ये चला कि सेहत हदीस के एतबार से बुखारी मुस्लिम से अफजल है और सियाक हदीस के एतबार से मुस्लिम बुखारी से अफजल है। तो ये रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ में लाए हैं और उन्होंने अपनी जामे सही का सरनामा और उनवान इस हदीस को करार दिया।
और ये भी मालूम हो गया कि डायरेक्ट सुना है, समेतों का लफ्ज है, मैंने सुना, इसका मतलब नबी बोल रहे हैं और हजरत उमर सुन रहे हैं, दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। क्या है? आपने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये जो आमाल हैं, आमाल तीन तरीके के होते हैं, आमाले कल्ब, आमाले लिसान और आमाले जवारे। आमाले कल्बिया, आमाले नुतकिया, दिल के अमल, जबान के अमल और आमाले जवारे हिया, तो हम हाथ पैर से करते हैं। तमाम के तमाम आमाल नीयतों के ऊपर मुनहसिर हैं, तो गोया कि आमाले कल्ब में ईमानियत है, अकीदा आ गया, सारे के सारे अकाइद आमाले कल्ब में आ गए, और सारी की सारी इबादात चाहे वो माली हूं और चाहे वो बदनी हूं, सब आमाले जवारह में आ गए। और तीसरे, जो कुछ आदमी अपनी जबान से बोलता है वो सारे के सारे आमाल आ गए, आमाले कल्बिया अकाइद, आमाले लिसान, जो कुछ आदमी अपनी जबान से बोलता है, तमाम इबादात आदमी जो अपने हाथ पैर से और बदन से करता है, ये सारे के सारे आमाल तीन ही किस्म के होते हैं, आमाले कल्बिया, आमाले नुतकिया, आमाले जवारहिया। तमाम के तमाम आमाल नीयत के ऊपर डिपेंड हैं। अगर आपकी नीयत सही है तो आपका अकीदा मोतबर, आपकी नीयत सही है तो आपकी इबादत मोतबर, और आपकी नीयत अगर मोतबर है तो आपका कौल मोतबर है। अगर नीयत नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है, तो आपका अकीदा मोतबर नहीं, आपका नुतक मोतबर नहीं, आपके आमाले जवारह मोतबर नहीं। इसी वजह से अलामा लाए। और ये जो अलिफ लाम दाखिल है, ये बताने के लिए कि यहाँ नेक आमाल मुराद हैं, आमाले नेक मुराद हैं। नुक्ता ये मिला कि कोई भी बुरा अमल अच्छी नीयत की वजह से अच्छा नहीं होता। आदमी की नीयत अच्छी हो मगर अमल बुरा हो, हमारी नीयत ये है कि हम ऐसा कर देंगे, तो आपकी नीयत तो अच्छी है मगर वो काम बुरा है। देखो हो रहा है, नीयत अगर आपकी अच्छी है मगर अमल आपका सही नहीं है, तो वो नीयत भी सही नहीं है और आपका अमल भी सही नहीं। और मैं यहां पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल नकल कर दूं जिसे इमाम इब्न जौजी रहमहुल्लाह तलबीस इब्लीस के अंदर लाए, बहुत प्यारा कौल है। और मैं तो ये कहता हूँ, बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े लोग थे सब साहबे कराम, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खा करके बोलता हूँ कि अम्बिया कराम के बाद इस रूए ज़मीन के ऊपर सहाबा जैसी मुकद्दस जमात के ऊपर सूरज और चाँद तुलू नहीं हुए। इतने प्यारे लोग थे, क्या बड़ी बड़ी बातें कहते थे, देखो कितनी बड़ी बात कही साहब। काला अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, ला यन्फौ कौलुन इल्ला बिअमलिन वला यन्फौ कौलुन वामलुन इल्ला बिनियतिन वला यन्फौ कौलुन वामलुन वनियतुन इल्ला बिमा बिमा युवाफिकुस सुन्ना। अल्लाह, आदमी का कौल मोतबर नहीं जब तक कि उसका अमल सही ना हो, और आदमी का कौल और अमल दोनों सही ना हो जब तक के उसकी नीयत सही ना हो, और आदमी का कौल अमर नीयत ये तीनों सही नहीं हो सकते जब तक कि ये तीनों मुआफिक सुन्नत ना हो। दलील दलील ये हदीस पाक, वान अल-बरा इब्न आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु कौल खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अन-नहर बादा सला फकाल मन सल्ला सलातना व नसक नुसुकना फकद असाब नुसुक व मन नसक क़बल सलाति फतीक शात लहम فقام ابو برده بن نيار رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله والله لقد نسقت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال تلك شات لحم فقال ان عندي اناقا جزاتا وهي خير من شات لحم فهل تجزئني قرنا ولن تجزي انا احد بعدك رواه ابو داود في كتاب الضحايا حضرت امام ابي داود رحمه الله ابو داود الشريف میں یہ کتاب یہ حدیث پاک किताब ज़हाया के अंदर एक सफ़े के ऊपर इसी तरीके से लाया। रावी हज़रत बरा इब्न आज़िब, हज़रत बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं कि आपने बकरीद की नमाज़ पढ़ाई, और बकरीद की नमाज़ पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया और फरमाया मन सल्ला सलातना, जिसने हमारी नमाज़ पढ़ी, इसका मतलब यह है
हनफी नमाज, शाफई नमाज, पता नहीं किन साहब की नमाज, इनकी नमाज, उनकी नमाज, कोई नमाज मोतबर नहीं है। सल्ला सलातना, वो हमारी नमाज होनी चाहिए। हमारी नमाज कौन सी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी नमाज है और मेरे सहाबा की नमाज है वो नमाज चलने वाली है, और कयामत के दिन इसी नमाज के ऊपर फैसला होगा। पता नहीं लोग कौन कौन सी नमाजें पढ़ रहे। नबी ने फरमाया मन सल्ला सलातना, जिसने हमारी नमाज पढ़ी जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ते हैं। सलातना ना सेगे जमा मुतकल्लिम है, ज़मीर जमा मुतकल्लिम है, जिसने हमारी नमाज पढ़ी। अच्छा, वह नसा का नुसू का ना, और हमारी तरह कुर्बानी की। लोग पता नहीं दुनिया में किस तरह कुर्बानियां करते हैं। हमारा रसूल जिस तरीके से कह रहा है उस तरह कुर्बानी करना, इस वजह से मैं कहता हूं कि कुर्बानी हमारे नबी की सुन्नत है। वह नसा का नुसू का ना, हमारी तरीके से कुर्बानी करना, जिसने हमारी नमाज पढ़ी। दीगर अंबिया किराम ने पता नहीं किस तरीके से नमाज पढ़ी, हमें उस तरीके से नमाज नहीं पढ़ना है। वह नसा का नुसू का ना, और हमारी तरह कुर्बानी करे। पता नहीं उन लोगों ने किस तरह कुर्बानी की, कुर्बानी की हमारे नबी ने जिस तरह कुर्बानी की उस तरह हमें कुर्बानी करना है। वह नसा का नुसू का ना, और हमारी तरह कुर्बानी करे, फकत असाबन नुसू का, तो उसकी कुर्बानी मानी जाएगी। ये हुआ वह मन नसा का कबल सला, बकरीद की नमाज से पहले जिस आदमी ने कुर्बानी कर दी, फतिल का शातुल हमन, गोश्त की बकरी, गोश्त की बकरी। अब हजरत अबू बुरदा इब्न नियार, एक सहाबी तमा खड़े बैठे, खड़े हो गए, फकाम खड़े हो गए, कहे अल्लाह के रसूल क्या बोल रहे हैं। फकाल अबू बुरदा इब्न नियार या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बुरदा इब्न नियार ने फरमाया अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं। वल्लाही लकद नसक्तु क़ब्ला अन अख़रुज इला सलाह, आप फरमा रहे हैं कि बकरीद की नमाजें दोगाना पढ़ने के बाद, 7, 5, 12 तकबीरों से पढ़ने के बाद कुर्बानी करना। अल्लाह के रसूल मैं नमाज से पहले कुर्बानी करके आ गया हूं। आपने फरमाया कुर्बानी बोलता है, कुर्बानी नहीं हुई, वो गोश्त की बकरी है, कुर्बानी नहीं हुई, वो गोश्त की बकरी है। कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी नीयत ये थी, मैं तो अल्लाह के लिए लाया था उसको कुर्बान करने के लिए, मेरी और कोई नीयत नहीं थी, और मैं ये समझा कि आज पूरा का पूरा दिन खाने पीने का दिन है, खेच का दिन है पूरा। वह अरफ तो अन्न योम योम अकली मशहूर बिन, आज पूरा खाने पीने का दिन है, सो मैंने पहले ही बकरी को जबा कर दिया। फताज जल तू वाह काम तो आहली वजीरा नहीं, मैंने जल्दी कर दी। फाकल तो मैंने खुद खा लिया, और उसके बाद अपने अहल को खिला दिया, घर वालों को, पड़ोसियों के पास भेज दिया, वो जीरानी पड़ोसियों के पास भेज दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं वही कह रहा हूँ, अभी तिल का शातुल्लाह हमिन गोश्त की बकरी है, वो कुर्बानी नहीं हुई तेरी। कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हाँ मेरे पास एक जजा है, बकरी है, वो दो बकरियों से ज्यादा बेहतर है। तो अल्लाह के रसूल लेकिन दाता नहीं हो, नाता नहीं हो, मुसिन्ना नहीं है, तो क्या अल्लाह के रसूल चल जाएगी फालतू जीवन में, चल जाएगी करना, चल जाएगी। वलन तुजिया नहदिन बाद, आज के बाद कयामत तक किसी भी मुसलमान के लिए चलने वाला नहीं। वलन तुजिया नहदिन बाद, इस्तिदलाल इस हदीस से महल इस्तिशहाद ये है कि हजरत अबू बुरदा इब्न नियार इस बकरी को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं। नीयत सही है, अमल भी सही है, सब कुछ सही है, नीयत सही, कौल भी सही, अमल भी सही, लेकिन चूंकि ये बकरी मुआफिक सुन्नत से बनी हुई है, लिहाजा ये इबादत ना होकर के आदत बन गई है। पता ये चला कि इबादत और आदत के दरमियान तमीज करने वाली जो मुमय्यिज चीज है, मुमय्यिज सिर्फ और सिर्फ नीयत है। मैं एक मिसाल देता हूं, एक आदमी पानी में उतर गया तबर्रुद के लिए, तबर्रुद का मतलब ठंडक हासिल करने के लिए, गर्मी लगी थी, वो बाथरूम में घुस गया नहाने के लिए और नहा करके बाहर निकला। ये आदमी देखो नहाया, और एक आदमी इस वजह से नहा रहा है कि मैं पाक नहीं हूं, मैं नहा लेता हूं इसलिए कि मुझे नमाज के लिए जाना है। देखिए दोनों नहा चुके हैं, दोनों ने अपने पूरे बदन के ऊपर पानी डाला है, लेकिन दोनों की नीयतों में फर्क है। एक की नीयत तबर्रुद की है ठंडक हासिल करने के लिए, और दूसरे की नीयत जनाबत से पाक होने की और नमाज पढ़ने की है। लिहाजा दोनों की नीयतों में जमीन और आसमान के फर्क होने की वजह से वो नहाना आदत है और ये नहाना इबादत है। तो आदत और इबादत के दरमियान खत्ते फासिल और मुमय्यिज अगर कोई चीज है तो नीयत ही तो है। इसी वजह से कहा गया इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमलों के दरमियान कि ये अमल कैसा है और ये अमल कैसा है, खत्ते फासिल अगर कोई चीज हो सकती है तो नियत ही हो सकती है, इसके अलावा और कौन सी चीज हो सकती है। ये बात इन्नमल अमलु बिन्नियत के अंदर बताई गई।
तो ये पहले टुकड़े की तशरीह थी, इन्नमल आमालु बिन्नियत। अमल आप करेंगे तो आदत और इबादत कैसे बन जाएगा? नीयत की वजह से। नीयत की वजह से आपका अमल आदत बन जाएगा और नीयत की वजह से आपका अमल इबादत बन जाएगा। मुमय्यिज़ और खत्ते फासिल सिर्फ और सिर्फ नीयत है। ये इस हदीस पाक के पहले टुकड़े से मुस्तफाद हुआ, इन्नमल आमालु बिन्नियत। तो कम से कम अगर नेक अमल ना कर सको तो उसकी नीयत तो कर लो, नीयत कर लो। नीयत नीयत बजाते खुद एक अमल है, बहुत बड़ा अमल है। यह नीयत की अहमियत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने ज़हीन थे, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ आदमी इतना भी ज़हीन हो सकता है क्या, इतना भी ज़हीन हो सकता है। अल्लाह। दूसरा टुकड़ा, वइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी को वही कुछ मिलने वाला। देखिए पहले मुब्तदा बाद में खबर है, पहले टुकड़े में, और यहाँ खबर पहले मुब्तदा बाद में है। इसका मतलब यह है कि पहले टुकड़े से ज़्यादा अहम दूसरा टुकड़ा है। दूसरे टुकड़े के अंदर यह बताया गया है हर आदमी को वही मिलने वाला है जो उसने नीयत की। पहले का ताल्लुक अमल से या दूसरे का ताल्लुक किसके लिए अमल हुआ है? उसके लिए, पहला मनवी के लिए, दूसरा मनवी लहू के लिए। यानी हल अमिल तहादल अमल लिल्ला, तूने ये अमल अल्लाह के लिए किया है या किसी को दिखाने के लिए किया है? बाज़ लोग कोई अमल अल्लाह के लिए नहीं करते, दिखाने के लिए करते हैं। तो ये देखा जाएगा कि ये अमल जो तुमने किया है मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी थी या मकसद दुनिया की रजामंदी थी? अगर आपका मकसद, आपकी नीयत दुनिया को खुश करने के लिए थी तो आपको दुनियावी भी फायदा नहीं पहुंचा, या थोड़ा बहुत जुज़वी फायदा दुनिया में पहुंच सकता है, लेकिन आखिरत में उस अमल की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं। ये बात इस दूसरे टुकड़े से मालूम। गोया कि हर अमल के अंदर नीयत कर लें आप, और जब आप अमल करने लगे तो उससे मुराद तकर्रुब इलल्लाह, अल्लाह ताला को खुश करना, किसी और को खुश करना ना। उसकी मिसाल बहुत प्यारी दी गई आगे, जवाब नहीं है हदीस पाक का। फरमाया आपने कि इन दोनों बातों को अगर तुम मिसाल से समझना चाहते हो तो इस तरह समझो, हिजरत एक बहुत बड़ा अमल है भाई। आदमी अपनी गलियां, अपना मकान, अपने बचपन की यादें छोड़ करके दूसरी जगह चला जाए, जाहिर है कि यह बहुत बड़ा अमल है। हिजरत, छोड़ देना अपनी जगह को और दूसरी जगह चले जाना, बहुत बड़ा अमल है। अब बताया जा रहा है इतना बड़ा अमल, फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर आदमी की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। हाँ, यहाँ ठहर कर एक नुक्ता बता दूँ, अकीदे का नुक्ता है। अकीदे का नुक्ता यह है कि एक आदमी आज यहाँ है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत, एक आदमी मदीना जा रहा है, मदीना जा रहा है। अब दो सूरतें इसकी, क्या वो रसूल की शख्सियत के लिए जा रहा है या रसूल की शरीयत के लिए जा रहा है? जवाब, जब तक आप जिंदा थे तब तक आपकी शख्सियत के लिए, हाल हयात ही आपकी जिंदगी की हालत में अगर कोई आदमी हिजरत करके आप तक पहुंचा, जैसे सहाबे किराम पहुंचे, हबश से पहुंचे, मक्का से पहुंचे, दीगर जगहों से पहुंचे, तो आपकी जिंदगी में आपकी शख्सियत के लिए हिजरत वाजिब मुस्तहब। ये आपके इंतकाल के बाद, बादा ममाते ही, आपके इंतकाल के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद, आपकी शख्सियत के लिए हिजरत करना हराम है, नाजायज है। आपकी ममात के बाद आपकी शरीयत के लिए हिजरत करें। नुक्ता समझ में आया अकीदे का? बहुत गहरा नुक्ता है, रिपीट करता हूं। आपकी जिंदगी में जब आप जिंदा थे तो आपकी तरफ हिजरत करना, यह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत। आज नबी नहीं है, दो सूरतें, एक तो ये कि यहां से हिजरत करके जा रहा है नबी की शख्सियत के लिए, या हिजरत करके जा रहा है नबी की शरीयत के लिए। अगर हिजरत करके जा रहा है नबी की शख्सियत के लिए तो यह नाजायज है, अगर आदमी यहां से हिजरत करके जा रहा है नबी की शरीयत के लिए तो यह जायज। आज नबी की शरीयत के लिए हिजरत होगी, नबी की शख्सियत के लिए नहीं। इसी वजह से अगर कोई आदमी सिर्फ जियारत के लिए जा रहा है तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की वो किताब पढ़िए, बहुत प्यारी किताब है, उसका कब्रों की जियारत करके उसका तर्जमा भी आ चुका है,
इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा की, मैं कहता हूँ कि लाजवाब बुक है, लाजवाब किताब है। उसमें हज़रत ने यही फरमाया कि अगर आदमी इस वक्त नबी के चले जाने के बाद दुनिया से अगर आपकी शख्सियत के लिए हिजरत करता है तो ये हिजरत सही नहीं है। आज लोग नबी की जियारत के लिए जाते हैं, नहीं नहीं, नबी की जियारत ये ताबे है मस्जिद नबवी की जियारत के। पहले आप मस्जिद नबवी की जियारत कीजिए, उसके बाद कब्र नबवी की जियारत कीजिए। गोया कि कब्र नबवी की जियारत ताबे है मस्जिद नबवी की जियारत के। अगर कोई आदमी मस्जिद नबवी की जियारत के लिए जा रहा है और नबी के कब्र की जियारत कर रहा है तो ये सही है, लेकिन कोई आदमी नियत करके जा रहा है कि मैं कब्र नबवी की जियारत करूंगा, ये जियारत नाजायज है। इसलिए कि कब्र नबवी की जियारत ताबे है मस्जिद नबवी की जियारत के, ये अकीदे का नुक्ता मलहूज रखा जाए। तो नबी जब तक जिंदा थे आपकी तरफ हिजरत, हाला हयात ही आपकी तरफ हिजरत, ये हिजरत जायज़ थी। लेकिन आपके इंतकाल के बाद अब हिजरत आपकी शख्सियत की तरफ नहीं होगी, बल्कि आपकी शख्सियत के अलावा आपकी शरीयत की तरफ हिजरत होगी, हिजरत आपकी शरीयत की तरफ। आदमी हिजरत कब करे? जब ये देखे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक महल्ले के अंदर सारे के सारे शराबी, और आपको अपने ऊपर खौफ है कि अगर मैं इस महल्ले में रहा तो इतने सारे शराबी हैं, कहीं मेरा बेटा शराबी ना हो जाए, कहीं मैं शराबी ना हो जाए, तो ऐसी जगह से हिजरत करना वाजिब है, वाजिब है। आदमी एक महल्ले के अंदर सारे के सारे बेनमाजी, सारे के सारे अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन, तो आदमी अपने ऊपर खौफ करे कि कहीं मैं इन लोगों के साथ इनके अकीदे और अमल में शामिल ना हो जाऊं। हिजरत करना वाजिब, तो कभी कभी हिजरत वाजिब भी होती है, ज़रूरी हो जाती है जब इस तरीके की हालत बन जाए। वरना अगर आपको आपके दीन के ऊपर अमल करने में कोई तकलीफ़ नहीं है तो हिजरत वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। आदमी एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा सकता है, हिजरत वाजिब नहीं है। गोया कि हिजरत की भी दो किस्में होंगी, हिजरत वाजिबा और हिजरत मुस्तहबा। और पहली तकसीम की हिजरत शरिया, हिजरत गैर शरिया। जब तक आप जिंदा थे आपकी तरफ हिजरत शरिया, और आपकी वफात के बाद अब आपकी शख्सियत के लिए हिजरत हिजरत गैर शरिया, और आपकी शरीयत के लिए हिजरत हिजरत शरिया, शरीयत के लिए हिजरत हिजरत शरिया। समझ में आया? एक नुक्ता वहां बड़ा प्यारा है, देखो वो भी अकीदे का नुक्ता है, बहुत गौर से सुनो। कहा फमन कानत हिजरतहू इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहू इलल्लाहि व रसूलिही। जिस आदमी की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, है? आजकल बहुत सारे बूढ़े जो जाहिल हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है और किताबें नहीं पढ़ी हैं, अकीदे की मालूमात बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई ये कैसा होता है अल्लाह और उसका रसूल जाने, अल्लाह और उसका रसूल जाने, गोया कि अल्लाह के साथ वाव की फसल ला करके रसूल को जोड़ देते, अल्लाह और उसका रसूल जाने। ये अल्लाह के साथ उसके रसूल को मिलाना कहाँ जायज़ है कहाँ नाजायज़ है, अकीदे का एक बारीक मसला है। मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ इस हदीस के माध्यम से, या इस हदीस के वास्ते से, इस हदीस के हवाले से। क्या? के फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह को और उसके रसूल को वाव के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि एक जगह नबी ने मना कर दिया कि अल्लाह को मेरे साथ अल्लाह को जोड़ दिया गया। कैसे? आइए वो हदीस देख लेते हैं। हदीस इसरा वान इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अन्न रजुलन قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد جعلتني والله لقد جعلتني عدلا بل ما شاء الله وحده رواه احمد في مسنده। हज़रत इमाम अहमद नंबर रहमतुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे मुसरत अहमद के अंदर लाए। एक आदमी आता है, कहता है अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, देखिए अल्लाह के साथ आपको जोड़ दिया, माशा अल्लाह व शीता, अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, तो अल्लाह के साथ इसने नबी को भी जोड़ दिया वाव के साथ।
तो आपने फरमाया, अरे तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, अल्लाह के साथ वाव के साथ मुझे जोड़ दिया, तूने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया। बल माशा अल्लाह, सिर्फ ये कहे कि जो सिर्फ अल्लाह चाहे, रसूल चाहे, ये मतलब वहां। तो यहां तो अल्लाह के साथ वाव की फसल के साथ उसका रसूल है, फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, देखिए आप अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान वाव की फसल है। उसने भी तो यही कहा था, माशा अल्लाह अल्लाह व शीता, वाव नबी के दरमियान जो अंता की जमीर है खिताब के साथ, और ये अल्लाह, दोनों के दरमियान वाव की फसल है, वहां नाजायज क्यों है, जायज क्यों है। इस हदीस के हवाले से मैं नुक्ता बयान करना चाहता हूँ कि दो तरीके के उमूर होते हैं, एक उमूर कौनिया और एक उमूर शरईया। दोनों की मिसाल देता हूँ। उमूर कौनिया में अल्लाह के साथ किसी भी हस्ती को नहीं जोड़ा जा सकता, चे जाए कि वो रसूल ही हो, रसूल को भी नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, हल यंजिलुल मतरु गदन, क्या कल बारिश होगी? एक सवाल करता हूँ, हल यंजिलुल मतरु गदन, क्या कल बारिश होगी? तब आप क्या बोलेंगे? अल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, यहां और किसी को नहीं। अल्लाह और बाबा जानते हैं, अल्लाह और पीर साहब जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, न इसलिए कि बारिश का होना उमूर कौनिया है, कॉस्मिक फैक्ट है ये, और कायनाती उमूर में अल्लाह की मशीयत सिर्फ चलती है, अल्लाह के अलावा किसी की मशीयत नहीं। क्या बारिश पीर के इरादे से, पीर की मशीयत से होगी? क्या बारिश नबी के इरादे से होगी? नहीं, इसका ताल्लुक उमूर कौनिया से है। उमूर कौनिया में अल्लाह के साथ किसी को वाव के साथ नहीं जोड़ सकते। माशाअल्लाह, वो शीता में अल्लाह की मशीयत के साथ नबी की मशीयत को जोड़ दिया गया, जो नाजायज था, जो शिर्क था। इस वजह से नबी ने फरमाया, क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया, मना करे। और यहां अब मैं पूछता हूं, मैंने ये पूछा, हल यंजुरुल मतरु गदन, क्या कल बारिश होगी? तो आप क्या कहेंगे? अल्लाहु यालम, सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाहु यालम वहदा, सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई और जानता है नहीं, जोड़ सकते उसके, इसकी ताल्लुक उमूर कौनिया से। अब मैं एक सवाल करता हूं, मैं अब मौलाना है, मुझे साहब, हल हादा हलाल अम हराम, ये चीज हलाल है या हराम है, ये चीज हलाल है या हराम है? आप ये कहेंगे अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि हलाल और हराम का ताल्लुक शरीयत से। तो उमूर शरईया में वाव के साथ अल्लाह के साथ नबी को जोड़ा जा सकता है, लेकिन उमूर कौनिया में अल्लाह के साथ किसी को भी नहीं जोड़ा जा सकता, ख्वाह वो नबी ही क्यों ना हो। लिहाजा ये अकीदे का मसला अच्छी तरह जहन नशीन किया जाए। एक उमूर कौनिया है, बारिश होगी कल, अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है, ये हलाल है या हराम है इसका ताल्लुक शरीयत से, और अल्लाह ने शरीयत दे करके नबी को भेजा है, तो अल्लाह शरीयत को जानता है जिसने दिया है, और रसूल शरीयत को जानता है जो शरीयत लेकर के आया है। लिहाजा ये कहना सही है अल्लाह और उसको, चूंकि हिजरत एक अमल है, यहाँ अल्लाह और रसूल को एक साथ वाव के साथ जोड़ दिया गया है। समझ बात आई? बहुत प्यारी बात कही है, यह हदीस बड़ी अजीबोगरीब है। और एक नुक्ता और कहा कि हिजरत इतना बड़ा, एक बात बोलता हूँ, तोप किस लिए बनाई जाती है? ताकि किले की दीवार, किले की फसील को तोड़ा जा सके, उसके रैमपार्ट को मुतादिब डैमेज कर दिया जाए, उसकी फसील को तोड़ दिया जाए, उसकी दीवार के अंदर शगाफ डाल दिया जाए, तोप इसलिए बनाई जाती है। अब कोई आदमी तोप से मक्खी मारने लगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो कितना बड़ा बेवकूफ है, तोप बनाई जाती है किले को गिराने के लिए, आदमी तोप से मक्खी मार रहा है, दुनिया का अहमक तरीन आदमी यह। अब आदमी हिजरत कर रहा है, हिजरत कितना बड़ा अमल है। अब इतना बड़ा अमल आदमी अगर किसी औरत से निकाह करने के लिए करे, तोप से मक्खी मारने के बराबर है। अगर इतना बड़ा अमल कर रहा है तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होना चाहिए। फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, हिजरत अपनी जगह छोड़ देना, अपने बचपन की यादें छोड़ करके, अपने महल्ले को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके, इतना बड़ा अमल कर रहा है अल्लाह और उसके रसूल के लिए करे, अगर नहीं कर रहा है तो तोप से मक्खी मारने के मुरादिफ है उसका यह अमल। बड़ा अमल कर रहा तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए कर, अल्लाह से बड़ा कौन, उसके रसूल से बड़ा कौन उसके बाद है। इसी वजह से देखो बहुत प्यारी बात कही है, आप तो अरबी जानते हैं, पता नहीं कितने लोग जानते हैं। देखो, फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है तो दोहराया गया, फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए, जबकि यह कह दिया जाता फहिजरतहु इलैहिमा, उनकी तरफ हिजरत है, फिर अल्लाह और उसके रसूल को क्यों रिपीट किया गया? उसकी अहमियत बताने के लिए।
और जब दुनिया की बात आई वमन कानत हिजरतहु लिदुनिया युसीबुहा अबिमराती तजव्वजुहा फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैही। ये नहीं कहा गया कि जो आदमी दुनिया के लिए हिजरत करता है या औरत से शादी करने के लिए करता है तो ये हिजरत दुनिया के लिए होगी और औरत से शादी करने के लिए होगी। दुनिया और तजव्वुज को रिपीट नहीं किया गया ये बताने के लिए कि हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इतनी बड़ी चीज है कि उसका जिक्र किया जाए। अरे दुनिया को और दुनिया की तरफ हिजरत करने और किसी औरत के लिए शादी करने की हिजरत इस काबिल नहीं है, लैस अहलन लियुज़कर, इस लायक नहीं कि उसका जिक्र किया जाए। इसी वजह से दुनिया की तरफ हिजरत की जब बात आई तो दुनिया और यह तजव्वुज को रिपीट नहीं किया गया, लेकिन जब हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इसका जिक्र आया तो अल्लाह और उसके रसूल को रिपीट किया गया। ये अरबी का इंतहाई बलागी और एक जानदार उसूल और कायदा है। कुर्बान जाइए, मैं कहता हूँ कि कुरान की बलागत के बाद सबसे बेहतरीन बलागत अगर आपको मिलेगी तो हदीस पाक के अंदर मिलेगी। فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فهجرته الى دنيا نہیں کہا گیا وغیرہ یعنی ليس اهلا لیے اس کو دنیا تو ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے ہم دنیا کے پیچھے پریشان ہیں اور یہاں حدیث کے اندر بتایا گیا دنیا کوئی ایسی اہم چیز نہیں کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے ذکر کرنے کے لائق نہیں ہے دنیا جس کے پیچھے تم कुत्ते की तरह दिनों रात भागे जा रहे हो इस लायक नहीं कि उसका जिक्र किया जाए जिक्र के काबिल भी नहीं है। यह हदीस पाक है जिस पर हमने सरसरी गुफ्तगू की है और मेरा ख्याल है कि ज़रा इल्मी भी गुफ्तगू हो गई है लेकिन आपकी समझ में आ गई है मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया। अल्लाह तबारक व ताला हमें अच्छी अमल और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। वाह अलहम्दुलिल्लाह।